तो सबसे पहले हैलोजन एसिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हैलोजन एसिड बोले तो एचएक्स में अगर देखा जाए किसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ये अभी तक सबको मालूम होना चाहिए। आपके पास एक एचआई होता है, एचबीआर भी होता है, एचसीएल भी होता है और एचएफ भी होता है। एचएफ के तो बारे में कोई बात ही नहीं करता जा रहा था। तो आप देखो, तो यहां पर अगर पूछा जाए कि किस कंडीशन में रिएक्टिविटी हाई होगी तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर? एचआई के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए। तो जो बड़ा बॉन्ड होगा तो एचआई सबसे बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि आई की एटॉमिक साइज अच्छी है। ध्यान से तो वहां पे चमक रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है, वहां पर एचएफ लिखा हुआ है। चलो अब देखो इसके अंदर ध्यान से, रिएक्शन कराने जा रहे हैं ईथर के साथ, क्या बनेगा इस पर थोड़ा ध्यान से फोकस करना। तुम्हारे पास है ईथर आर ओ आर, रिएक्शन हो गया एचएक्स के साथ। एचएक्स कौन सा एचएक्स? तो एक्सिस में आपका एचएक्स है, ज्यादा अमाउंट में आपने भर लिया एचएक्स को। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो सबको एक चीज तो क्लियर है कि आप कहेंगे कि एक तो अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा, एक एल्काइल हैलाइड बनाओगे, क्योंकि बॉन्ड या तो बच्चे यहां से ब्रेक करना पसंद करोगे या तो यहां से पसंद करोगे, कहीं दो ही जगह से बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो यहां से करो क्या, इसका बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड इसका तोड़ोगे तो एक में क्या बनेगा आरएक्स और एक में बनेगा अल्कोहल, यानी कि आर ओ एच प्लस आरएक्स। यही खत्म ही हुआ, इसके ऊपर अभी हम लोग 20 मिनट तक बात करेंगे। तो ये हमारा बन गया, एक तो अल्कोहल बनेगा और आपके पास एक अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन लेकिन आपने इसको एचएक्स को एक्सेस में लिया हुआ है तो रिएक्शन बच्चे लोग यही नहीं रुकेगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर जाएगा। क्या होगा, ये अल्कोहल फिर उठ के आएगा और फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, एचएक्स के साथ। याद रखना अमाउंट एक्सेस में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर से मत बढ़ा दीजिएगा। तो एक्सेस में अगर आपने लिया है तो ये रिएक्शन फिर से एक बार और एक्टिवेट हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और इसका बॉन्ड तो सबको मालूम है ये ब्रेक होगा ही होगा। तो फिर क्या होगा, एक के साथ आपके पास एक्स जाएगा और एक के साथ फिर आपके पास एच जाएगा। कहां एक जाएगा कहां एक जाएगा उसके बारे में हम तुरंत आगे बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया फर्दर एल्काइल हैलाइड और एच और ओएच यानी कि H2O फॉर्म होगा। तो फाइनल अगर हम रिएक्शन को देख के कहें, दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या लगता है, दोनों रिएक्शन को देख के क्या बोल सकते हो? आपने इथर का रिएक्शन कराया किसके साथ, एचएक्स के साथ, और एचएक्स को आपने दो दो बार ऐड किया है तो टू एचएक्स लिख दे रहे हैं, एक्सेस होना चाहिए, ध्यान रहे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो आपके पास एक एल्काइल हैलाइड यहां बना है, दूसरा चेक करोगे तो एल्काइल हैलाइड एक यहां पर भी फॉर्म हुआ है तो टू मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड लिख दो और प्लस क्या लिख दो, प्लस हो गया आपके पास वाटर। कहोगे अल्कोहल कहां गया, आपको समझ में आ रहा अल्कोहल कहां गया, अल्कोहल यहां से कट गया, एड करोगे तो यही होगा फाइनल रिएक्शन। तो अगर ये चीज क्या बोलिए, वो तो अगर तो ये ईथर है और हैलोजन एसिड के साथ अगर रिएक्शन किया जाएगा तो एक हैलोजन केस बनता है और सिर्फ वाटर। लेकिन किस केस में, जब ये एक्सेस में होगा तब के केस में, इसके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है तो उसके मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लिख लिए ना, इसको मिटा रहे हैं, एक रिएक्शन और देने जा रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर इसी रिएक्शन को देख लिया जाए एनिसोल के साथ, ये भी इथर है ठीक है, और यहां पर भी आपने एचआई वही एचएक्स ले लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ सपोज, तो एक्सेस में लिया हुआ तो यहां पर भी दो बॉन्ड है बच्चे लोग, तो यहां पर भी बॉन्ड टूटने के, बॉन्ड तो खैर टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन अब बॉन्ड कहां का टूटेगा ये भी सोचने वाली बात है। तो ये थोड़ा इजी है, इसको समझ सकते हैं, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो कहोगे ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है,
तो सिंगल बॉन्ड तो दिख रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं है वो? आप देखोगे कि जो आपके पास एनिशोल होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस कैसे करता है हम पूरा बेंजीन वाला जब बताएंगे तो एक जगह इसलिए बोल रहे हैं पूरा बताने के लिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि कैसे ये सब चीजें स्टेबल होती हैं। अभी हल्का सा आपको मिंट कर रहे हैं बस। आप लोग रेजोनेंस के बारे में जानते होंगे तो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर यहाँ पे अपना पुट करेगा। जैसे ही लोन पेयर रखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन टूट देके, मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये रेजोनेंस में घूमते रहता है। तो क्या लगता है ये आपके पास वही चीज है, एक बार यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पे पुट करोगे फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पुट करोगे फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करते पूरे पेंजिन के अंदर घूमने लगेगा। तो कहेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो कभी डबल बॉन्ड आप देखोगे यहाँ पर था, कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर है, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर होता है रेजोनेटिंग, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये बन जाता है डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड भी नहीं बोल सकते पूरी तरीके से, क्योंकि कभी रहता है कभी फिर हट भी तो जाता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पर भी आया, तो पूरी तरीके से ना वो सिंगल बॉन्ड है ना पूरी तरीके से वो डबल बॉन्ड होती है, उसको बोलते हैं पार्शियली बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड से कम होता है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो ये तो आपका पार्शियल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से कम है लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, और ये सिंगल है तो तोड़ना तो आसान वही रहेगा जो कि आपको लग रहा है कि सिंगल है, क्योंकि ये थोड़ा टूटना मुश्किल है, एक तो एरोमेटिक स्टेबल भी है, रेजोनेंस भी स्टेबल है ये, इसलिए यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान रखना कभी भी बेंजीन के साथ वैसा काम मत कर दीजिएगा, ये चीज में इसके लिए हमको मैकेनिज्म बताने की जरूरत है, मैकेनिज्म हम उसके पहले वाला कंडीशन भी बताएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक कर देना, और बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा, अब यहां पर देखो एच के ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर निगेटिव होगा। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव के पास, निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, तो बनेगा आपके पास यहां फिनॉल और यहां पर CH3X। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि यहां पर तो मैंने एक्सेस अमाउंट में क्या लिया हुआ है, HX लिया हुआ है, तो क्या ये फिर से वापस जैसे अल्कोहल को फिर HX से रिएक्शन करके फिर आप देखोगे इसको हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर याद रखना नॉट फर्दर रिएक्ट विद HI, फिनॉल एक स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, तो अपने स्टेबल जब है तो क्या जरूरत है इसे रिएक्ट करने का, फिर वापस इसे कोई इसका रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर वो चीजें अगर आपके पास मान लीजिए एक्सेस आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अल्कोहल को लेके आप हेलो एल्केन बना दीजिए, अब यहां से इसको हटा के सीएल बैठा दो, नहीं हो सकता। ये अगर आपके पास एरोमेटिक है और एरोमेटिक में कहीं गलती से हाँ फर्दर नॉट रिएक्ट फर्दर विथ HI, रिएक्ट थोड़ी अलग है, नॉट रिएक्ट फर्दर विथ HI, तो फिनॉल तो इसके बाद देखो यहाँ पर फिनॉल को फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फिनॉल एक पहले से बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, उससे कोई जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल के केसेस में फाइनल प्रोडक्ट अगर आप एक्सेस अमाउंट में भी ले लेंगे तो वहां पर एल्केन में उसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट, मतलब उसको एरोमेटिक हैलाइड में कन्वर्ट नहीं करना होगा। चलो अब बताते हैं इसके लिए मैकेनिज्म, इसके लिए भी हम लोग जो पहले पढ़े थे उसको मैकेनिज्म के, उसमें थोड़ा आपको डाउट होगा कि किस में एच जोड़े कहां पर, तो अब ये चीजें कैसे कैसे होती है पहले इसको हम समझते हैं। मतलब एक सिंपल सा अगर हमारे पास रिएक्शन हो, जैसे रीजन बताएंगे, 1 डिग्री ईथर के लिए 2 डिग्री ईथर, ये दोनों पर काम करता है। जैसे यहां पर देखो CH3 ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर C2H5 सपोज, और वही बात आपके पास RX है, तो थोड़ा बच्चे लोग RX करें HX है, तो यही कंफ्यूजन होगा आपके अंदर आज भी कि एच किसके साथ बैठाएंगे, अल्कोहल इधर से बना या अल्कोहल इधर से बना, तो इसको हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू, समझ में आ जाएगा चीजें कि हम लोग किस पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करें किस पार्ट को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें। हालांकि एक्सेस अमाउंट मिली है तो बच्चे दोनों के दोनों पार्ट एल्काइल हैलाइड में ही कन्वर्ट होगा, इतना तो समझ में आ गया, मतलब कहीं से भी अल्कोहल बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस में नहीं ले तो फिर तो बनेगा ही। तो यहां देखो अगर आप HX लिए हो तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, तो पहले वही लोग जाते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी है, वही लोग अटैक करने के लिए ज्यादा मतलब तैयार रहते हैं। तो यहां पर देखो ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके बगल में कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहा होगा कंटिन्यू, तो ये
वहां पर जाके अटैक करने की कोशिश करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा सके। तो देख रहा है कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, चलो इसी के पास चलते हैं। तो जाके ये ऑक्सीजन से दो लोन पेयर मांगेगा, ठीक है, दो लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर में से काम हो जाएगा। तो एक लोन पेयर मांगेगा तो ऑक्सीजन क्या है, दान करने वाला आदमी है नहीं, लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया तो ठीक है अभी दे दे रहे हैं। अब ये निकल गया तो आई के ऊपर एक माइनस हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, फिर से इस रिएक्शन को हम यहां लिखते हैं, पहला स्टेप आपका बन रहा, सेकेंड स्टेप CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन C2H5। लेकिन ऑक्सीजन जितना शरीर दिख रहा है उतना तो है नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भले ही हाइड्रोजन को दे दिया लेकिन अंदर अंदर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है बच्चे लोग, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, और कभी पॉजिटिव चार्ज वो अपने ऊपर होल्ड मतलब नहीं रख सकते ज्यादा देर तक, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हटाने की कोशिश करेगा। अब हटाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, या तो वो चाहेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ये चाहेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, या तो वो चाहेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या फायदा है, जहां थे आप वही पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां से फायदा है नहीं हमको कुछ मिलने वाला है। अब या तो यहां से होना चाहिए या तो अब यहां से होगा, तो अब हमें यही चेक करना है कि बॉन्ड को कहां से ब्रेक करें, तो वो डिपेंड क्या करता है, आई माइनस। आई माइनस का अटैक कहां आसानी से होगा, क्योंकि बगल में आपके पास आई माइनस भी तो है, उसको भी तो बगल से अटैक करना है, तो आई माइनस बच्चे अटैक वहीं पर कर पाएगा आसानी से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को फिर अटैक भी करना होगा। जैसे ये दोनों में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो उसके साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये चाहता है कि दोनों में से कोई एक बाहर निकल जाए, तो ये दोनों बाहर तब निकलेगा जब इसका अटैक हो जाएगा। जैसे इसका अटैक अगर इधर चाहे इधर हो जाए, चार बॉन्ड बना लेगा तो आसानी से बॉन्ड तोड़ देगा। तो आपको अभी इस स्टेप पे ये चेक करना है कि आई माइनस का अटैक यहां पर आसानी से कर सकते हैं या यहां पर आसानी से कर सकते हैं, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखो बात होता है यहां पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे जब पूरा बेनियंस बढ़ाएंगे तब। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म क्या आपके पास होता है उसको छोड़िए, आपको सिंपल तरीके बताता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यह होता है कि जहां पर भीड़ भाड़ कम ज्यादा होगा वहां पर इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने में प्रॉब्लम होगा, इसको तो देना है, अब देख रहा है इसको देना है तो अगल बगल कार्बन को ज्यादा है तो घूम फिर के अब एक कार्बन को देने में थोड़ा उसको दिक्कत हो सकता है। जहां पर कम जितने कार्बन कितने कम एल्काइल ग्रुप रहेंगे, जितने बल्कि ग्रुप कम होंगे वहां पर इसका अटैक आसानी से हो जाता है। तो इसलिए ये देख रहा है कि यहाँ पर अकेला इकलौता कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर अपने फेवर में ले लिया जाए, ऑक्सीजन भी आराम से हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर देख रहा है कि दो दो कार्बन दिख रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो याद रखना हम लोग आई माइनस का वहीं पर अटैक कराएंगे जिस कंडीशन में आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, तो ये चीजें यहां से निकल जाएंगी। CH3 I ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, दो इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इसके बॉन्ड को ये तोड़ देगा, अब तोड़ देगा तो ये तो निकल गया यहां से, यहां पर क्या बन गया C2H5, तो पहले से ही था इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका प्लस चार्ज खत्म, क्योंकि किसी की वजह से तो प्लस चार्ज आया, इसका लोन पेयर इसके पास चला गया था, अब वो लोन पेयर भी हमारे पास आएगा, तो C2H5 O और H ये बन गया हमारा अल्कोहल। तो पहला स्टेप आप लोग ये देखे थे ये रिएक्शन है, पहला स्टेप में आपको एल्काइल लाइड बनाना है और अल्कोहल बनाना है, लेकिन आपने तो HX को ज्यादा अमाउंट में लेके रखे हैं, HX कर रहे हैं ये आई का सा, ये जी आई ही है, ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आई माइनस यहां पे था, तो यही आपके पास पहला स्टेप में, तो ये CH3I और अल्कोहल बन जाता है। अब करोगे कि अगर एक्सेस अमाउंट में लिए रहोगे तो फिर वापस क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो फिर ये अल्कोहल रिएक्शन करता है HI के साथ, फिर अल्कोहल रिएक्शन करेगा HI के साथ, तो इस बार क्या होगा आपके पास, इस बार ये बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस कहां चला जाएगा, खुद से समझने वाली बात है, H प्लस जाएगा O माइनस के पास और ये जाके इसको फॉर्म कर लेगा और I यहां चला जाएगा, मतलब अगला स्टेप जो आपके पास होगा C2H5I और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ध्यान में रखना इसके अंदर क्या होगा, अगर एक्सेस लिए रहोगे तो अल्कोहल्स नहीं उसके अंदर, दोनों पार्ट एल्काइल हैलाइड, लेकिन वो फिनॉल्स नहीं होना चाहिए, फिनॉल के केसेस में वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करता है। लेकिन अगर सिंपल अगर आपके पास इस तरह के ईथर्स हैं, वो 1 डिग्री में भी काम करेगा, 2 डिग्री के लिए भी काम करेगा, बट 3 डिग्री के लिए थोड़े कंडीशन चेंज है। जैसे 3 डिग्री का मतलब है, बता रहे क्या, इसको मिटा रहे पहले,
केस क्या करेंगे लोग? अगर हमारे पास 3 डिग्री का इस बार इधर है तो 3 डिग्री वाले थोड़े से अलग तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे कि कल जो क्वेश्चन पूछा गया था मयंक के द्वारा, वो भी क्वेश्चन 3 डिग्री के ही फॉर्म हो रहा था। वहां पे भी आपको बताएंगे कैसे करना है सेटिंग। देखो यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर भी CH3 है और यहां पर क्या है बच्चे लोग? HI है, रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन हमेशा की तरफ पहले किसका होगा? H+ को ही ज्यादा जरूरत है, H+ ही पहले दौड़ के आएगा, ऑक्सीजन से मांगेगा लोन पेयर, ऑक्सीजन कहेगा ले लो मेरा लोन पेयर, तब उसको लोन पेयर दिया उसने। और जैसे ही इसको लोन पेयर दे दिया इसने तो फिर से वही वाला हाल, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब देखो यहां पर होगा क्या, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड होता है जो दिख रहा है, ये वाला H जो इसके पास आ गया, ये जो आपके पास लोन पेयर दिख रहा है, क्या करेगा यहां से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक कर देगा यहीं से। अब देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा? तो बन गया अल्कोहल, ये तो समझ में सबको आ रहा है। क्यों ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है? क्योंकि आप देखिए खुद से, हाँ वही चीज समझा रहे हैं, हाँ वही चीज अभी बता रहे हैं। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हो गया उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बच्चे अभी भी ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसने अगर ले लिया तो सपोज करो ये तो बन गया मिथाइल अल्कोहल, लेकिन ये अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि ये कार्बोकैटायन से 3 डिग्री का है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए 3 रिलीजिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, इसे भी देगा, तो मतलब ज्यादा कमी फील नहीं होगा। मान लो तुम्हारा 1 लाख रुपए बचा कर रखे थे संभाल के, 100 साल का मेहनत था, वो एक दिन में मान लो कि कोई उड़ा लिया, तो अगल बगल मान लो दान करने वाले अगर लोग मिल जाए, 10,000 रुपए अगर देने लगे तो तुम्हारा कुछ कमी को तो पूरा कर सकता है ना उन लोग, इसलिए इसके पास कमी ज्यादा खलेगा नहीं, उसको 1 लाख रुपए गया तो गया। लेकिन अगर आप इसको चीज को यहां पर अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, इसलिए जहां पर भी 3 डिग्री फॉर्म होते हैं ये चीजें अपने आप रीअरेंजमेंट होती है या फिर वो स्टेबल वो ब्रेक भी हो जाती है। तो 3 डिग्री के केसेस में याद रखना, मोस्ट स्टेबल के केसेस में ही ये चीजें हो सकती है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब अगले बार अगले स्टेप में अल्कोहल तो फॉर्म हो गया पहला स्टेप में, अगले बार में आई माइनस आएगा क्योंकि यहां से तो आई माइनस सेपरेट हुआ, एच प्लस यहां पर कूद गया तो आई माइनस बाहर निकला था। चलो तो अगले स्टेप में आएगा आपका आई माइनस, देख लेगा कि बेचारा ही गरीब है, चलो उसको दे दिया जाए अपना लोन पेयर, देख के कर लेगा यहां पर बॉन्ड बना लेगा, ये CH3, ये CH3 और ये। ध्यान रखना 3 डिग्री केस में आप स्टेरिक हिंड्रेंस मत चेक कीजिएगा, हो जाएगा गड़बड़ सीधे। तो यहां पर देख लो अटैक भी वहीं पे हुआ जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो लास्ट में आपको क्या लगता है, ये अल्कोहल अगर आपने ज्यादा एक्सेस अमाउंट बेचाई को लिया हुआ तो अल्कोहल तो बचने वाला भी नहीं उसे, तो ये अल्कोहल फिर HI से रिएक्शन कर जाएगा और HI से रिएक्शन करेगा तो वही बात हो गया आई के ऊपर। अब यहां पर ये आपके पास आ जाएगा OH और ये वाटर मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकल जाएगा और आई माइनस के साथ लग जाएगा, एक्सेस अमाउंट बढ़ेगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स हैलाइड के फॉर्म में ही बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया बच्चे लोग फाइनल रिएक्शन। 1 डिग्री के लिए भी ध्यान रखना और 2 डिग्री के लिए भी ध्यान रखना इसमें। अब देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस तो बनाना बनता है, आप कुछ क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है C2H5 और आपने रिएक्शन करवाया है किसके साथ, कौन के चाहिए और एक में लिखा हुआ एक्सेस है चाहिए, क्या बनेगा बताना है। फिर देखो यहां पे भी CH3
CH3, 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 फिर एक और ले रहे हैं CH3, C, CH3, O, CH3। आपका रिएक्शन है फिर से बच्चों लोग वही कॉम के चाहिए और एक्सेस से चाहिए। फिर से वही बात, कॉन्क और एक्सेस ले लो, कॉन्क एच आई और एक्सेस एच आई। चलो पहला केस में क्या बनने चाहिए प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन लिख लियो तो बताने का कष्ट कीजिए सब लोग। सब लोग बच्चे लोग कोशिश करना, सबको मौका क्या मतलब, सब लोग अपना चांस निकाल के खुद से बोलिए, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं, आप ट्राई कीजिए। एच आई है तो दोनों तरफ इक्वल है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो C2H5 एक में आई बोल दो और एक में बोल दो C2H5OH। चलिए सेकंड कंडीशन में बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो बोलना पड़ेगा टू मॉलिक्यूल, हाँ, इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पहले केसेस में आपको एक्सेस लिया गया तो पहले केसेस में आयोडाइड तो बनेगा ही, लेकिन अल्कोहल जो बनेगा वो फर्दर एच आई से रिएक्ट कर जाएगा और उसको फिर से आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेगा। C2H5I दोनों केस में, फिर वाटर। यहां देखिए यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, कॉन्क एच आई। मेथनॉल बनेगा क्योंकि बताइए 3 डिग्री वाला केस है, आई का अटैक वहीं पर होगा जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो आई इस बार यहां पर जाके अटैच हो जाएगा CH3, CH3 और यहां पर भी रहेगा CH3 और यहां पर हो जाएगा आई और यहां पर CH3OH। यहां चेक कर लो आई पहले इसमें क्या बनेगा। हाँ, अगर यहां पर एक्सेस में लेके चलोगे तो ये एक आयोडाइड अलग बनेगा, एक वो मिथाइल आयोडाइड और प्लस H2 भी रहेगा इसमें। यहां पर देखो कॉन्क एच आई के केस में क्या बनेगा, आई नहीं, ये 2 डिग्री का केसेस है, 1 डिग्री 2 डिग्री फर्स्ट वाले में चलता है, SN2 पे चलता है। हाँ, पहले तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना पड़ता है इस कंडीशन में, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां होगा वहीं पर आई का अटैक होगा, तो CH3I लिखोगे अब प्लस, ये भी खैर अल्कोहल बनेगा लेकिन ले दे के लास्ट में बात सही ही था, CH3CH CH3 और यहां पर आपके पास एक आई ग्रुप बताएगा, प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल हाँ आयोडाइड। अब एक सॉरी अभी एक्सेस कॉन्क वाला केसेस है ना, ठीक है कॉन्क वाला केस में वो ही रहेगा, अब एक्सेस में आ जाएगा तो यहां पर आई कर देना और प्लस वाटर कर देना। तो ये एचआई का इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया है। अब चलो इसमें 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप लोग बना के दिखाएंगे, अभी हम देने जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में CH3, CH2, CH2O, CH3, HBr। सेकेंड क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो एक्सेस नहीं मानेंगे, जब तक क्वेश्चन लिख के नहीं दे तब तक हम लोग अपने आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में देना पड़ेगा। जब पहले बना के दिखाना है, हाँ इसको भेजना पड़ेगा ताकि सबको चेक करना है।
सबसे बड़ी बात पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। चलो बच्चे उत्तम, कोशिश करो, कुछ नहीं लिखा है, आप लोग का काम और भी आसान हुआ। क्या बनेंगे प्रोडक्ट, चर्चा का विषय है। फर्स्ट का देखो लोग, बच्चे लोग आंसर क्या होगा, ये आपके पास वन डिग्री का इथर है। वन डिग्री के इथर वाले कंडीशन क्या होते हैं कि बीआर को वहां टाइप कराते हैं जहां पर हिंड्रेंस कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। यहां पर डालिए बीआर को, यहां पर डालिए एच को, प्रोपाइल अल्कोहल और CH3Br बन जाएगा। C3H7OH लिख दे रहे हैं, जगह कम है कम होने की वजह से। आप लोग वैसे लिखिए, कार्बन को ब्रेक कर करके लिखा जाता है। फिर वही वाला बात, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यही बॉन्ड टूटने का आपके पास है, तो ये बॉन्ड बच्चे लोग टूटेगा तो O के साथ तो एच ही जाएगा ना, तो चुपचाप फिनॉल बना देना है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना ही है। C2H5Br यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वही तीन डिग्री वाला केसेस आ गया। फिर तो तीन डिग्री केसेस में आई को भेजिए साइड और C2H5OH। चलिए इसमें दो रिएक्शन और बच गया है, दोनों रिएक्शन को कंप्लीट कर दे ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ऐसा वो दो रिएक्शंस, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो नहीं है लेकिन ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। मैंने देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो भी है, रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ O2 एंड लाइट। अगर आपको इथर को एयर के कांटेक्ट में प्लस लाइट के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो क्या बन रहा होगा, एक परऑक्साइड बनता है बच्चे लोग। यहां पे ये आपका इथर O2 से करा दो इसको रिएक्ट लाइट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या। यहां पर देखिए, इसमें जो आपके पास अल्फा जो आपके पास कार्बन होगा उसी के साथ ही ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है, मतलब CH3 ये C, ये दोनों ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन जब एक साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पर हो जाएगा, पर लिंकेज का केसेस हो जाएगा। यहां पर OH लगा दो और पहले से जो है वो तो रहेगा ही, पहले से मेरे पास क्या था इसके अंदर दो हाइड्रोजन था, अब यहां पर दो हाइड्रोजन नहीं होगा, एक हाइड्रोजन तो यहां चला गया, एक हाइड्रोजन सिर्फ रहेगा इसका। ऐसी है सिंपल सा रिएक्शन है, कोई पीछे पीछेगा नहीं, बस है पढ़ने के लिए देख लो। और एक लास्ट है हैलोजनेशन,